उल्लासनगर, कल्याण एंड डोंबिवली के लोगों को अगर मुंबई जाना हो तो उनके लिए दो रूट्स अवेलेबल है। पहला शीलफाटा, मुम्बरा और थाने होके एंड दूसरा शीलफाटा, महापे और आयरोली होके। सो ये छोटा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना घूम के जाना पड़ता है एंड इसीलिए यहाँ पे एक फ्री वे का निर्माण हो रहा है जो कटाईनाका से सीधा कनेक्ट होगा आयरोली ब्रिज पे, जहाँ से आप इजीली मुंबई में एंटर कर सकते हैं। एंड आज के वीडियो में देखेंगे इसी प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें, क्योंकि हम आपके लिए इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे ऑफिशियल पेट्रियन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, प्रोग्रेस देखने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस प्रोजेक्ट का वीडियो देख रहे हैं तो बता दें इस प्रोजेक्ट का निर्माण तीन फेजेस में हो रहा है। फेज वन है एनएच 48 से लेकर थाने बेलापुर रोड तक, फेज टू है थाने बेलापुर रोड से आयरोली ब्रिज तक और फेज थ्री है कटाईनाका से लेकर एनएच 48 तक। फेज वन में आता है एनएच 48 के ऊपर एलिवेटेड रोड और एक 1.67 किलोमीटर का टनल, और फेज टू और फेज थ्री में आता है एलिवेटेड फ्रीवे। इस पूरे प्रोजेक्ट का लेंथ है 12.3 किलोमीटर, जिसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 944 करोड़ रुपीस, और ये एक 6 लेन का रोड है, 3 लेन इच साइड। वेल, अभी सिर्फ फेज वन और फेज टू का ही काम चल रहा है, जहां फेज थ्री का अभी तक कुछ एज सच काम शुरू नहीं हुआ है। अभी प्रोग्रेस की बात करें तो हमने इस प्रोजेक्ट को एक साल पहले कवर किया था, सो पहले पुराने वीडियो का कुछ क्लिप्स देख लेते हैं सो दैट हमें प्रोग्रेस अच्छे से समझ आए। अभी का प्रोग्रेस देखें तो एनएच 48 के ऊपर एलिवेटेड पार्ट का डेक स्लैब प्रोग्रेस में है, और आगे में जैसे कि आप देख सकते हैं गटर इरेक्शन चल रहा है और 6 पियर कैप का काम बाकी है। यहाँ पे रूट्स को समझे तो एलिवेटेड रोड सीधा कनेक्ट होगा कटाईनाका पे, और नीचे का ये दोनों सिर्फ रोड्स कनेक्ट होगा एनएच 48 के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड के स्लिप रोड में ऑलरेडी पीक्यूसी लेइंग चालू हो चुका है, वहीं पे लेफ्ट साइड के ये टनल का काम चल रहा है, और ये टनल आगे जाके ओपन हो जाएगा और कनेक्ट होगा मेन टनल के साथ। टनल की प्रोग्रेस के बारे में बोले तो राइट साइड का टनल दोनों एंड से थ्रू हो चुका है, और जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर का फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है एंड लेफ्ट साइड में बस थोड़ा सा टनल का काम बाकी है, जो आई होप कि बहुत ही जल्द थ्रू हो जाएगा। यहाँ बीच में देखेंगे तो दिखता है अभी भी लेफ्ट साइड में टनल एक्सकैवेशन का काम चल रहा है। फिर ये टनल आगे में ओपन हो जाएगा थाने बेलापुर रोड पे, जहां पे शुरू होता है फ्रीवे का। स्टार्टिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिज का काम कंप्लीट हो गया है, इनफैक्ट रोड लेइंग भी शुरू हो चुका है एंड आगे आरओबी तक ब्रिज का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस आरओबी सेक्शन से स्टार्ट होता है फेज टू का। फेज टू में बस बीच का 4-5 स्पैन छोड़ के बाकी सारे स्पैन में ही अप टू पियर कैप काम कंप्लीट हो गया है एंड आगे में जैसे कि आप देख सकते हैं फेज टू का काम शुरू हुआ है आयरोली साइड से। यहाँ पे फाइनली ये ब्रिज कनेक्ट होगा एग्जिस्टिंग आयरोली ब्रिज के साथ। यहाँ पे 3 स्पैन का लगभग पूरा काम बाकी है एंड कुछ स्पैन में गडर इरेक्शन हो गया है एंड बहुत ही जल्द डेक स्लैब का काम भी शुरू हो जाएगा। वेल, एज पर MMRDA इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन रखा गया है 2024 तक। बाकी आपकी क्या राय है, क्या 2024 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।